नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। जय श्री राम के जयकारों से गूंजा मध्य प्रदेश का दमोह रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1। ढोल ढमाके थे, नृत्य था, गीत था और यात्रियों के चेहरे पर थी प्रसन्नता, क्योंकि वह जा रहे थे रामलला के दर्शनों के लिए, वह जा रहे थे भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। एक विशेष यात्री ट्रेन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की दमोह से रवाना हुई। दमोह रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सहलोदी पहुंचे। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुशमलिया भी इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद थे और उनके साथ हटा के विधायक उमा देवी खटीक और अनेक नेता उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने स्वागत किया और साथ में रेल विभाग का वह विभाग जो इस पूरी जिम्मेदारी को निभाता है उसके अधिकारियों ने भी स्वागत किया यात्रियों का। किस प्रकार आयोजन है, आइए चलते हैं दमोह के रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर। यात्रा को लेकर किस प्रकार की प्रसन्नता यात्रियों में है, हमने चर्चा की कुछ यात्रियों से। रामचरण पटेल टीला से और मुख्यमंत्री योजना के साथ अयोध्या के लिए रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रही? तीर्थ कर अयोध्या जी। नंबर कहाँ के हो? जेरा गाँव। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? अयोध्या। को भेज रहा हूँ? मंत्री। कौन मंत्री? मुख्यमंत्री। कैसी है योजना? अच्छी रही। अच्छी व्यवस्था? अच्छी। क्या नाम है तुम्हारा? मोदी। कहाँ जा रही हो? अयोध्या। को भेज रहा हूँ? मोदी जी। बड़ी हंसी। अब राम जी के दर्शन कर हो? राम जी जाए। हाँ, क्या प्रार्थना कर हो? क्या प्रार्थना कर? मोदी वहाँ पे जा बन गया, हमें तीर्थ करा दे। अरे वाह। कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ जा रही हो? रामलला। वो भेज रहा हूँ। क्या कह रहे हो? क्या कह हो? यात्रा कैसी है? बहुत अच्छी। अच्छी यात्रा है। हाँ। राम जी के दर्शन राम। चलो। अच्छा, कहाँ जा रहे? तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे वाह। हाँ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद। अच्छा, ऐसी यात्रा कराते रहें हमेशा। कहाँ से यहाँ रे भी आ रही? कहाँ जा रही? भगवान के दर्शन। कहाँ के रहे? अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे हो? अयोध्या। को भेज रहा हूँ? को भेज रहा हूँ? मंत्री। अच्छा, कैसी यात्रा? कैसी? अब व्यवस्था अच्छी लग रही। तो राम जी से प्रार्थना कर हो? अब चलते हैं हम उस पेंट्री कार में जिसमें बन रहा है भोजन। किस प्रकार की व्यवस्था है, आइए देखते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव, मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर इस समय हूं। ट्रेन में मौजूद है जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के माध्यम से लगभग 450 यात्रियों को लेकर दमोह रेलवे प्लेटफॉर्म से रवाना होने जा रही है और उसमें विशेष व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं ये पेंट्री कार है, इसमें बिल्कुल साफ सफाई एकदम बिल्कुल दिखाई दे रही है और सारी व्यवस्थाएं है यहाँ पर। उन यात्रियों के लिए भोजन बनेगा, नाश्ता बनेगा जो इसमें यात्रा कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, हम देखते हैं ये किस प्रकार के भाई क्या बना रहे हैं, आज क्या बना रहे हैं? दाल चावल और पनीर। अच्छा, ये सब कुछ बनाएंगे इसमें और रोज सुबह शाम का मेनू बदलता है।
आप कौन है मुख्य, क्या नाम है आपका? अच्छा मैं मुख्य है। आप तो कितने बजे का डिनर होता है? चार पाँच घंटे बाद डिनर दे देते हैं आप। अच्छा, और विशेष रूप से ये व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है कि बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको खाने पीने में कोई प्रकार की परेशानी है, आए हुए ये तो ये हम इन लोगों से चर्चा की। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते किस प्रकार यहाँ परिवर्तन है। ये तारा, ये दूध है ना, ये चावल पड़ी, अच्छा ये चावल पड़ा हुआ है, ये इतने बड़े बड़े ये कुकर है और ये पेंट्री कार बिल्कुल एकदम साथ में चल रही है। अरे आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी व्यवस्था इसमें प्रोग्राम में दी गई। आपका नाम क्या है? संदीप। क्या देख रहे हैं आप? कुकिंग देखते हैं। आज शाम को क्या खिलाएंगे? खिलाएंगे गोभी आलू, मटर पनीर, अच्छा राइस दाल। तो ये सब शाम का मेन्यू होगा और सुबह का? सुबह तो अपनी गाड़ी पहुंच जाएगी वहाँ पर। अच्छा सुबह पहुंच जाएगी। चलिए रात में ये भोजन दिया जाएगा, देख सकते हैं आप ये है आलू बन है। ये देखिए इतना भारा व्यवस्था यहाँ पर की गई है और काफी बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ आटा और सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये पूरा का पूरा स्टाफ सेवा में लगा हुआ है उन यात्रियों के जो यात्री यहाँ से रवाना होंगे और करेंगे रामलला का दर्शन। अतिथियों ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन रवाना जैसी हुई वैसे ही जय श्री राम की जयकारे गूंजने लगे। सब प्रसन्न थे, वह सब जो यात्रा में जा रहे थे, क्योंकि एक गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए यात्रा कराने के लिए एक संकल्प लेकर मैदान में मध्य प्रदेश सरकार दिखलाई दे रही है और उसी योजना के तहत दमोह से यह यात्री गाड़ी रवाना हुई। We'll be right back.